प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी संजय प्लेस में स्थित अवध बैंकट हॉल में उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम खंडेलवाल के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तमाम लाभकारी योजना चलाई है। वहीं अखिलेश यादव ने हमेशा हिंदुओं का दमन किया है, हिंदुओं की रक्षा करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। तमाम ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पुराने प्रत्याशियों की सीट बदलनी पड़ती है। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व राज्यपाल को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा समीकरण देखकर अपने प्रत्याशी उतारती है। देखिए, फर्स्ट फेज के चुनाव जहाँ जहाँ हैं वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, और जो चर्चा हो रही है, जैसा माहौल बन रहा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर पहले से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रही है। और उसका सीधा सीधा कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता, जो योगी जी ने कार्रवाई करी है अपराधियों पर, जो उनको जेल में डाला है, उससे प्रसन्न है, शांति कानून का राज चाहती है, नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ईमानदारी से नौकरी मिली है, ये सब जो काम योगी सरकार ने किए, इसलिए योगी जी की सरकार दोबारा आने वाली है। लगातार आगरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, 50 सीएम आ रहे हैं, आपका भी आज का दौरा रहा है, क्या लगता है कहीं हार का डर तो नहीं? नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आ रहे हैं, उनके अंदर जोश उत्पन्न करने आ रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में जितना जोश उत्साह है उससे हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी 9 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। देखिए, टिकट बंटवारा जब होता है तो अपने अपने चहेतों को लोग चाहते हैं, कुछ दिन तक आदमी अपनी बात भी कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी में जो बाद में निर्णय होता है उसको कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, सब लोग मजबूती चुनाव लड़ाते हैं और लड़ाएंगे भी, कोई भी असंतोष नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, क्या लगता है ये समाजवादी पार्टी की धर्म की राजनीति नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग 100% विकास की राजनीति करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव की सरकार में जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं का दमन किया था, हमारी सरकार ने उनका सम्मान करने का काम किया है, चैन से, अमन से, पूरा चाहे कोई भी समाज हो वो रह रहा है, ये काम हमारी सरकार ने कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सर्व समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, जो भी पिछड़े हैं, किसान हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कोरोना के दौरान उनको जो सहायता राशि हो, जो इस सरकार ने दी हो, किसी ने दी है, आप ध्यान करिए, पुरानी सरकार में राशन जो है वो पूरा राशन माफिया जो है वो लील जाता था, इस सरकार ने डिजिटल अंगूठे से आज पूरा का पूरा राशन गरीब को मिल रहा है। तो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जो इस सरकार ने किया है वो कोई नहीं कर सकता, आने वाले समय में गरीब, पिछड़े, दलित ये अपने वोट से ये बता भी देंगे भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, चुनाव के समीकरण के लिए तमाम सारे निर्णय लिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जो निर्णय लेना उचित समझा वो निर्णय लिए गए, और उस निर्णय के बदौलत हम लोग भारी बहुमत में 9 की 9 सीटें जीतने आ गए। मुझे लगता है कि आवेश में, जल्दबाजी में निर्णय लिया है और गलत निर्णय है। राष्ट्रवादी सोच के साथ कई बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार धैर्य दिखाना पड़ता है और समर्पण करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा कार्यकर्ता है वो समर्पित भाव से पार्टी के लिए लगेगा। क्या कारण है कि पूर्व राज्यपाल को विधायक के चुनाव लड़ाना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण देखती है, किसको लड़ाने से हमको ज़्यादा लाभ होगा उस कार्यकर्ता को मैदान में लाया जाता है, यहाँ पद छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी पार्टी हित में होता है वो निर्णय लिया जाता है। टीईटी की महत्वपूर्ण परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि वो लीक हो गई थी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता दिख रही है। देखिए, बहुत लंबा पुराना सिस्टम है जिसमें खामियां हैं, हमारी सरकार ने कहीं भी लीपापोती नहीं करी है, स्वीकार किया, कठोर कार्रवाई की है और जेल के पीछे भेजने काम किया है। ऐसा पुरानी सरकारों में नकल होती थी, हर तरफ भ्रष्टाचार होता था, हमारी सरकार ने नकल विहीन परीक्षा से लेकर अगर कहीं लीक हुआ तो उस पर भी कार्रवाई की है, आने वाले समय में। सर, युवा बड़ा आरोप है सर कि सरकार जो है वर्तमान सरकार को युवाओं को रोजगार देने में फेल रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं में फेल रही है। देखिए, पुरानी सरकार के मुकाबले हमने नौकरी भी ज्यादा दी है और नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, नए रक्षा कॉरिडोर, इनके माध्यम से भी रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। पुरानी सरकार तो एक बिरादरी को नौकरी देती थी और पैसा लेकर देती थी, हमारी सरकार ईमानदारी बता दीजिए चुनाव में क्या रहेगी। युवा पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी योगी जी के साथ है और युवाओं की बदौलत हम लोग पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारी बहुमत से आने वाले। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।